ये वहीदा को बैटरी से चलने वाला गाड़ी निकला। अब ये भी गाड़ी बैटरी से चलेगा। ये इसमें सिस्टम है, देखो नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं बड़े ट्रक की जो इलेक्ट्रिक बैटरी पे आया है। 55 टन वो लोड खींचता है और अभी कंपनी एक है गुड़गांव में, 1000 ट्रक बनाने का उसने वो किया है कि 1000 ट्रक बनाएंगे एक साल में। 12 ट्रक अभी उन्होंने बनाए, उसमें बैटरी पूरी हैवी दी है जो 200 से 300 किलोमीटर की रेंज में चलते हैं। उसमें एक तो ये है कि 90 मिनट में उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। जो उसका पहला ड्राइवर ने, जो उसका पवन शर्मा था, उसका एक वीडियो पे उसको जवाब लिया कैसे चलती है, वो तो बोलता है कि डीजल गाड़ी से एकदम बढ़िया चलती है पानी की तरह। 55 टन 60 टन लोड दे के, चाहे वो गार्ड हो या कोई हो, एकदम बढ़िया चलती है। और उसमें कीमत में जैसे 55 टन की गाड़ी आज टाटा की 50-45 लाख में मिलती है, इसकी कीमत है 80 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख। अभी 12 गाड़ी बनी है, 1000 गाड़ी बनाने का उनका लक्ष्य है। गुड़गांव में, फरीदाबाद में उनकी कंपनी है इंफ्रा प्राइम लॉजिस्टिक करके। गाड़ी तो एकदम बढ़िया लगती है और ऑटोमेटिक गाड़ी है, ना कोई गियर का झंझट है ना कोई दूसरा। स्टार्टिंग में किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक प्रदूषण भी नहीं है गाड़ी में। लेकिन उसमें क्या है कि जैसे अभी चार्जिंग का है, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं, 90 मिनट में गाड़ी पूरी बैटरी उसकी चार्जिंग हो जाती है। कीमत का थोड़ा है कि, और उसमें डीजल से सेविंग है 60%। जैसे डीजल पे खर्चा 100 आता है तो इस पे 40% ही आएगा। फायदे तो कई हैं लेकिन ज़्यादा गाड़ियाँ भी बना नहीं पा रहे। मेरे हिसाब से अगर बनेंगे तो लोग लेंगे गाड़ी, क्योंकि खर्चा बहुत कम है। कॉस्ट में तो आधा आधा का फर्क है, जो 40-45-50 लाख तक है टाटा की। 25 जैसे 55 टन वाली, और इसकी कीमत है 80 लाख से लेके 1 करोड़ 20। ये आगे आपको इसका दिखाते हैं वीडियो, कैसी गाड़ी है, कैसे उसमें बैटरी लगाई है। ठीक है, ये देखो आगे इसका डेमो, और अगर वीडियो सही लगे तो शेयर करें। ओके दोस्तों, ये वहीदा को बैटरी से चलने वाला गाड़ी निकला। अब ये भी गाड़ी बैटरी से चलेगा। ये इसमें सिस्टम है, देखो इसमें डीजल डीजल नहीं है, ओनली बैटरी। ये इसका इंजन है, देखो भाई ये इसका इंजन है, और ये बैटरी टूल है इसका, इसमें बैटरी लगा है। ऑटो गियर गाड़ी है, क्लच नहीं है इसमें। यह अंदर का इसमें क्लच नहीं लगा है, ऑटो गियर है इसका। ये गियर है देखो, ये लीवर, ये इसका मीटर बोर्ड है देखो भाई। ये तो अभी टेम्परेरी केबिन बनवाया है। ये इसका बैटरी टूल है,
इसमें बैटरी है, ये साइलेंसर की जगह नीचे और कोई पंखा सिस्टम लगा है। ये इस कंपनी का गाड़ी है, इसका नाम है इम्प्रा प्राइम लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी। इसी कंपनी से ये हेवी गाड़ियाँ बनेगी बगैर डीजल, बगैर सीएनजी। और इसका भी मैं एसी रेडिएटर, इसमें रेडिएटर है ही नहीं। ये इसका आगे का हिस्सा, इसमें पानी आने कुछ नहीं है। ये इसका इंजन के अंदर एक कूलेंट सिस्टम है, और ये इसका इंजन है, देख लो। ये फरीदाबाद हरियाणा में गाड़ी खड़ा